नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजनीति पर चर्चा जरूरी है, यात्राओं पर चर्चा जरूरी है, कार्रवाई पर चर्चा जरूरी है, पर चर्चा शायद अगर जन मुद्दों पर नहीं होगी तो हम जैसे खबरन बीसों का कहना ही क्या होगा। इसलिए कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर भी चर्चा जरूरी है, राजनीति से अलग। धार्मिक मुद्दे उठाए जाते हैं, यात्राओं के मुद्दे उठाए जाते हैं, अलग अलग नामों के मुद्दे उठाए जाते हैं और अलग अलग नामों से तुलना कर दी जाती है, कभी राम से, कभी रावण से, कभी सुप्रखा से, कभी लाजेन से। खैर, ये तो भारतीय राजनीति किस समय संस्कृति बन चुकी है। वो लोकतंत्र जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और वहाँ पर किस तरह की राजनीति होती है ये जनता से छुपा नहीं। पर कुछ जनता के मुद्दे भी ऐसे होते हैं जिसके लिए भी यहाँ पर चर्चा जरूरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सरकार में आए थे तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया था, IGRS और CM हेल्पलाइन। काम क्या था इस सिस्टम का? काम केवल ये था कि जो शिकायतकर्ता हैं या जिनकी समस्याएं हैं या जो परेशान हैं, चाहे वो PWD का काम हो, चाहे नगर निगम का काम हो, चाहे वो प्रशासन से जुड़ा काम हो, चाहे वो रेवेन्यू से जुड़ा काम हो, चाहे वो संस्थागत काम हो, चाहे वो प्राइवेट काम हो और चाहे वो पुलिस से जुड़ा विभाग हो, यहाँ पर एक सिस्टम बनाया गया और कहा गया कि यहाँ पर शिकायत दर्ज करिए, उस पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई होती रही, पर अभी हाल में ही एक चर्चा का विषय बना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि अपनी सक्रियता के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने यहाँ पर 24 नोडल अफसरों, 24 जिलों के नोडल अफसरों के खिलाफ यह कार्रवाई के लिए शुरुआत की है। शुरुआत क्यों की है और जवाब मांगा क्यों गया है? क्योंकि जब शिकायत होती है उसके बाद उन शिकायतों के निस्तारण के आधार पर जो जिले हैं या नोडल अधिकारी, उनकी रैंकिंग तय की जाती है और रैंकिंग में ये पाया गया कि शिकायतों का निस्तारण ठीक नहीं हुआ, और जिसमें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहाँ पर स्वयं मुख्यमंत्री बैठते हैं, उनकी स्थिति भी खराब रही। लखनऊ, रायबरेली, हाथरस, संत कबीर नगर, बलिया, बांदा, बस्ती, अमेठी समेत 24 जिलों में स्थिति खराब रही। और बताया गया कि यहाँ पर निस्तारण तो हुआ पर उससे शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं है और लापरवाही की स्थिति ऐसी कि कई जगह शिकायतकर्ताओं के नंबर ही नहीं फीड नहीं किए गए, एड्रेस ही फीड नहीं किए गए कि अगर उनसे फीडबैक लिया जा सके तो नहीं हो पाए, और कई जगह ये गलत पाए गए। यानी मुख्यमंत्री यहाँ पर बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की स्थिति को, समस्या को, निस्तारण को और व्यवस्थित करने को लेकर, पर यहाँ पर जिस तरह से आज की स्थिति चल रही है कि लापरवाही और हीला बहाली इस कदर है कि अधिकारी मुख्यमंत्री की योजनाओं को, उनके महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को या उनकी महत्वाकांक्षी व्यवस्थाओं को ही यहाँ पर पलीता लगाने में लगे हुए हैं। जहाँ एक तरफ कार्रवाई चल रही है तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री समीक्षा बैठकों में निर्देश भी दे रहे हैं कि अब इस तरह चलेगा नहीं, और लखनऊ यानी राजधानी लखनऊ में भी स्थिति अगर ऐसी है तो कहीं ना कहीं अब विचार करना होगा। महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है, क्योंकि अगर हम इन मुद्दों पर चर्चा नहीं करेंगे तो करेगा कौन? क्योंकि अगर यात्राओं पर चर्चा कर सकते हैं, राजनीति पर चर्चा कर सकते हैं, आरक्षण पर चर्चा कर सकते हैं और कोरोना पर चर्चा कर सकते हैं, धार्मिक मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं, तो जन संबंधी मुद्दों पर भी चर्चा करना यहाँ जरूरी है। और ये जिम्मेदारी केवल हमारी ही नहीं, ये जिम्मेदारी सरकार में बैठे अधिकारियों की है, सरकार की भी है और उस विपक्ष की भी है जिसने अपने आप को यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से रखा है, कि विपक्ष यह कमजोर नहीं है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 111 विधायकों के साथ मजबूत विपक्ष की भूमिका में है और कहीं ना कहीं ये भूमिका अब निभानी होगी अगर जन संबंधी मुद्दों पर हम संघर्ष नहीं करेंगे। राजनीति अपनी जगह है, राजनीति होती रहेगी, व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, पर कहीं ना कहीं अब शुरुआत करनी होगी बेहतरी के लिए और जो ये अफसर है इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। अब अगर शासन नहीं करता है तो कहीं ना कहीं अब विपक्ष की भूमिका है कि यहाँ पर चीज़ों को बेहतर किया जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात कि ढिलाई हो क्यों रही है? ढिलाई इसलिए होती है क्योंकि
गेंद एक दूसरे के पाले में डाल दी जाती है। ढिलाई का कारण यही है कि गेंद एक दूसरे के पाले में डाल दी जाती है। अगर पीडब्ल्यूडी विभाग में शिकायत जाएगी और अगर वो विभाग उसकी होगी तो हो सकता है वो नगर निगम में डाल दे, और अगर नगर निगम में डाल जाए तो नगर निगम में हो सकता है कि वो जाके आपका LDA में डाल दे। तो ये गेंद यहाँ पर पाले में बदली जाती है और फिर पता चलता है कि शिकायत का निस्तारण PWD विभाग द्वारा ही होना है। पर जो परेशानी इस दौरान शिकायतकर्ता को झेलनी पड़ती है उससे किसी का लेना देना नहीं है, क्योंकि वोट हमको मिल चुका है, सरकार बन चुकी है, अफसर हम बन चुके हैं, और कार्रवाई होगी क्या? ज़्यादा से ज़्यादा निलंबन। पर यहाँ पर कार्रवाई निलंबन ही नहीं, अब यहाँ पर कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जो कि नज़ीर बने, और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई अवश्य ज़रूरी है जो कि मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं में, उनके महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में या उनकी इच्छाओं के अनुसार चलने वाली व्यवस्थाओं में पलीता लगा रहे हैं। अगर हम कार्रवाई नहीं करेंगे तो मामला वही होता है जो हमेशा कहा जाता है कि ढाक के तीन पात। और ढाक के तीन पात कैसे होते हैं ये हम देख ही रहे हैं। फिलहाल कुछ बयान सुनते चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का सिर्फ जनता को गुमराह करने वाला एक भ्रामक बयान है। माननीय मुख्यमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने की बिल्कुल भी नहीं है। इसका मैं उदाहरण देता हूं कि मैंने खुद बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के भ्रष्टाचार की 81 बिंदुओं की शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भेजा था, और 21 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री जी कार्यालय से झांसी मंडलायुक्त महोदय जी को जांच दी गई, और उन्होंने कुलसचिव बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से बिंदुवार, आप देख सकते हैं, विस्तृत जांच कराते हुए बिंदुवार आख्या मांगा गया था, लेकिन एक भी बिंदु पे कोई आख्या नहीं दी गई और शिकायत को निक्षेपित दिखा दिया गया। इसी तरह पूरे प्रदेश में सिर्फ शिकायतकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है, लिख दिया जाता है कि झूठी शिकायत है, कभी कभी तो सादे कागज़ पर अपलोड कर दिया जाता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आप पे विश्वास करके जो लोग भी शिकायत करते हैं अपनी समस्याओं को लेके, या कहीं कोई भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ, या माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लच्छेदार भाषण था भ्रष्टाचार खिलाफ, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई किसी पे नहीं हुई। अगर आप में इच्छा शक्ति थी तो इन सारे भ्रष्ट लोगों पे अब तक कार्रवाई आप कर दिए होते, तो ये आपको बताना नहीं पड़ता कि हम भ्रष्टाचार खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो चर्चा का विषय बहुत महत्वपूर्ण, हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं बीजेपी प्रवक्ता, हालांकि अभी जुड़ने में समय है, आपको रूबरू करा दूं बाकी मेहमानों से। प्रवक्ता सपा के रूप में नितिन भाई जी अपना पक्ष रखेंगे। इसके अलावा एक समाजसेवी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका नाम है विवेक शर्मा। विवेक शर्मा समाजसेवी इस कदर है कि अपनी समाज सेवा के माध्यम से उन्होंने एक नाम पैदा किया है। वो नाम, यहाँ पर कोई इच्छा शक्ति की जरूरत नहीं है, उस नाम के लिए कोई स्वार्थ की जरूरत नहीं है, केवल जनता की समाज सेवा के लिए या जनता की सेवा के लिए वो लगातार सक्रिय बने रहते हैं, और समय समय पर वो दिखाते हैं कि किस तरह से सरकार के मंसूबों पर यहाँ पर अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। प्रवक्ता कांग्रेस के रूप में यहाँ पर विनोद सिंह अपना पक्ष रखेंगे, और सैयद मोहम्मद तकी भाई आम आदमी पार्टी के फायर बैंड प्रवक्ता अपने पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल तुम्हारा विवेक भाई से। विवेक भाई, भाई आपको ज़्यादा जानकारी रहती है तमाम चीज़ों की लेकर, और लगातार तमाम तरह की शिकायतों को आप दर्ज कराते रहते हैं। जो IGRS है ये कैसे काम कर रहा है और आपकी समीक्षा क्या है, क्योंकि आपने कई बार इस समस्या को उठाया और बताया कि हाँ मुख्यमंत्री की जो व्यवस्था तो बढ़िया है पर अधिकारी काम नहीं कर रहे, कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा मुद्दा रखा। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं साधुवाद देना चाहूंगा गौरव जी, जी, जी आपने एक बहुत अच्छे मुद्दे पर ये डिबेट रखी है जी, जिससे मैं अभी दो चार हो रहा हूँ, एक महीने से मैं बार बार परेशान हो रहा हूँ जी। और अभी 27 तारीख को एक नागरिक सुरक्षा दिवस आयोजित किया गया था, आखिरी मंगल को मंडलायुक्त महोदय के सानिध्य में ये दिवस चालू किया गया है जी। लास्ट मंगल में भी आया था और इस मंगल को भी मैंने उनको एक ये पत्र सौंपा था। अच्छा, उन्होंने अपने जो मैंने उनको पत्र दिया उन्होंने DM साहब को दे दिया कि नोडल DM है IGRS के, वो देखेंगे क्या उन्होंने जिसको नोडल बनाया होगा जी। एक इसमें बहुत प्रमुखता से NVT ने एक खबर छापी थी, इसको जरूर दिखाइएगा जी, ये मुख्य पृष्ठ की खबर थी। अच्छा, जिसमें लिखा है विभाग के बीच फुटबॉल बनी जनता। अच्छा, एक बहुत बड़ी खबर थी जो कि मुख्य पृष्ठ पर NVT ने ये छापी थी, यही IGRS को लेकर जी, जिसमें लोगों को केवल एक दूसरे विभागों में दौड़ाया जा रहा है। एक मैंने
शिकायत की थी, ये मामा चौराहा है विकास नगर का जी, और करीब ये 40 साल पुरानी यहाँ से रोड जा रही है और स्टेट हाईवे कहलाता है ये जी, कुर्सी रोड, कुर्सी महमूदाबाद रोड जी। यहाँ पर मामा चौराहे से लेकर डंडैया बाजार तक कहीं पर भी कोई प्रकाश बिंदु नहीं है जी। जैसा कि मंडलायुक्त महोदया ने कहा था कि कोई भी जगह पर अंधेरा नहीं रहना चाहिए लखनऊ के, हर जगह पर हम इसको रोशनी कर देंगे। उसी के संबंध में मैंने ये एक आईजीआरएस किया था कि यहाँ पर कहीं पर भी कोई नगर ये मार्ग प्रकाश व्यवस्था नहीं है और शाम को लोग निकलते हैं या रात में निकलते हैं, इस समय फॉग भी हो रहा है जी, लूट की घटनाएं हो जाती हैं, कुछ लोग मतलब वहां महिलाओं से छेड़खानी हो जाती है, तो इस तरीके की वहां पर घटना ना हो तो एक वहां पर प्रकाश बिंदु स्थापित कर दिए जाए, मार्ग प्रकाश व्यवस्था। मैंने नगर निगम को एक आईजीआरएस किया, नगर निगम ने मेरे को फोन द्वारा सूचित किया कि ये पीडब्ल्यूडी विभाग का काम है, क्योंकि रोड जो है वो पीडब्ल्यूडी की है। अच्छा, पीडब्ल्यूडी को मैंने आईजीआरएस किया तो उन्होंने एक पत्र मेरे को भेज दिया और एक पत्र उन्होंने नगर निगम को भेज दिया कि ये, क्योंकि हम संरक्षण केवल अनुरक्षण और संरक्षण हमारा रोड का है और मार्ग प्रकाश की व्यवस्था नगर निगम को सुनिश्चित करनी है। उसके बाद नगर निगम ने एक आईजीआरएस उसी को मेरे को जवाब भेजा कि ये लेसा की जिम्मेदारी है। अच्छा। लेसा को भी मैंने आईजीआरएस किया तो लेसा ने कहा कि हम लोग केवल विद्युत की सप्लाई दे सकते हैं, बाकी मार्ग प्रकाश की व्यवस्था जो है वो नगर निगम को करेगी। मैंने एक फिर उसके बाद पत्र लिखा, वो लिखा नगर विकास मंत्री जी को, उस पर मेरे को आख्या रिपोर्ट ये लगकर आई कि यहाँ पर EECL द्वारा हमने जांच कराई गई और यहाँ पर प्रकाश बिंदु की आवश्यकता महसूस होती है और इसको हम जल्दी से जल्दी करवाएंगे। मतलब एक ही विभाग नगर निगम जिसकी जिम्मेदारी वो पल्ला झाड़ते हुए एक दूसरे के ऊपर डाल रहे थे, एक महीना उन्होंने मेरे को टहला दिया। यही बात मैं रखने के लिए नागरिक सुरक्षा दिवस में गया था। अच्छा। मैंने जब डीएम साहब को कहा तो डीएम साहब सबसे पहले मेरे से बोले कि क्या आप हाउस टैक्स जमा करते हैं? मैंने यहां करता हूं। बोले आप वाटर टैक्स जमा करते हैं? मैंने करता हूं। कहते हैं आप उसकी रसीद तुरंत तत्काल इस पर मंगवाइए अपने व्हाट्सएप पे और मुझको दिखाइए। मैंने कहा सर इससे मेरे हाउस टैक्स और वाटर टैक्स से क्या संबंध है, ये तो जनहित का काम है, मैं जनहित की बात कर रहा हूं और ये मैं जिस जगह पर रहता हूं ये उस जगह से करीब 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर की बात है। तो कहते हैं कि नहीं, आप उसके आसपास के क्षेत्रों के जो क्षेत्रीय नागरिक हैं उन लोगों का हाउस टैक्स और वाटर टैक्स लेकर आइए और नगर आयुक्त के पास में उसकी छाया प्रति जमा करिए, उसके बाद वहां पर कार्यवाही होगी। अच्छा, तो क्या ये समाधान दिवस है? अच्छा, नागरिक समाधान दिवस का भी मजाक उड़ा रहे हैं जिलाधिकारी महोदय, और जो हम लोग आईजीआरएस कर रहे हैं उसका एक जीता जागता उदाहरण है। एनबीटी की खबर को भी उन्होंने दरकिनार कर दिया। सबसे पहले वो क्षेत्रीय लोगों के, अब क्योंकि कहीं पर भी अगर आपको कार्यवाही करवानी है तो क्षेत्रीय लोगों का हाउस टैक्स और वाटर टैक्स उनको दिखाना होगा, उसके बाद वहां पर कार्यवाही। अच्छा, वहां पर जमा है तो कार्रवाई होगी अथवा नहीं होगी? अथवा नहीं होगी। अच्छा। तो ये जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर ही डाल दी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कृपया इसका एक सर्कुलर जारी कर दें कि अगर कोई भी आईजीआरएस कर रहा है तो साथ में अपना हाउस टैक्स और वाटर टैक्स जरूर लगाएं, क्योंकि जिलाधिकारी महोदय का आदेश है। अच्छा, ठीक है, ठीक। आप बताइए, केवल और एक जनता की बात को अगर हम सामने रख रहे हैं, एक जनसेवक होने के नाते अगर हम ये बात बोल रहे हैं तो ये क्या अच्छी बात थी कि इस तरीके का जवाब देना एक जिलाधिकारी महोदय को शोभा देता था? ठीक है, हमारे साथ प्रवक्ता सपा के रूप में नितिन भाई बैठ रहे हैं। नितिन भाई, भाई महत्वाकांक्षी योजना है और लगातार उस पर कार्रवाई चल रही है, हम देखते हैं कि 24 जिलों पर, यानी बाकी जिलों में तो स्थिति ठीक है पर 24 जिलों पर मुख्यमंत्री ने स्वयं संज्ञान लिया है, सक्रियता दिखाई और कहा है कि अगर ये लोग नहीं सुधरे तो हम सुधार देंगे और यहाँ पर एक्शन होने जा रहा है। कैसे देखते हैं व्यवस्था को और क्या कहना चाहेंगे मुद्दे पे आप? धन्यवाद गौरव जी। जी, धन्यवाद देना चाहूँगा आपकी प्राइम टीवी को और आपको जी। आज आपने इस जन सरोकार से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर एक डिबेट कराई जी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिन 24 जिलों का संज्ञान लिया है जी, ये तो पेपर में जो कागजी अभिलेख हैं, अच्छा, जहां पर शिकायतें उनको कागज में लंबित दिखी हैं, उन पर कार्रवाई करने की बात हुई है जी। आपको वास्तविकता से रूबरू कराऊं जी कि जो पोर्टल में दर्ज शिकायतें हैं जी, 3,94,23,198 हैं। अच्छा। इनके पोर्टल में दर्ज हुई शिकायतें और इनके अनुसार कि इन्होंने करीब 3,90,00,000 का निस्तारण कर दिया और अभी 3,35,115 अभी लंबित है। अच्छा। ये इनका सरकारी आंकड़ा है। अच्छा। लेकिन जो शिकायतें इन्होंने पोर्टल में निस्तारित कर दी, इसकी जमीनी हकीकत ये है कि 90% शिकायतकर्ता असंतुष्ट है, उनकी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, सिर्फ कागज में खाना पूरी कर दी गई, टेलीफोन किए गए सेटिस्फेक्शन के लिए,
और कई प्रमाण तो ऐसे आए हैं कि वो सुबह के 5 बजे विभाग से फोन चले जाते हैं और घंटी गई उनके रिकॉर्ड में हो गया कि मैंने पार्टी को सेटिस्फाइड किया, उसको मैंने सेटिस्फेक्शन फोन किया। कभी रात को 2:30 बजे फोन किया जा रहा है, शाम को 8 बजे 9 बजे फोन किया जा रहा है। अच्छा। और सामने वाली पार्टी ने फोन किया, उसको सिर्फ यह पूछा जाता है कि आपने अपनी शिकायत की थी, सामने से जवाब आता है जी मैंने शिकायत की थी, आपकी शिकायत नोट कर ली गई है, उस पर जवाब कार्रवाई कर दी गई है, ओके। इस तरीके से 90% जो है फाल्स कार्रवाइयां हुई है, मुश्किल से 10% लोगों की कार्रवाइयां पटल पर हैं। अच्छा, ये सरकारी हकीकत है। अच्छा। इस पर माननीय मुख्यमंत्री को गहराई से विचार करना चाहिए। आपने एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की थी आम जनमानस को, कि उसको दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े माननीय मुख्यमंत्री के पोर्टल में IGRS, जिसका नाम ही है समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली। तो समन्वित शिकायत, यहाँ समन्वय कहीं कोई दूर दूर तक आता पता नहीं है। अच्छा। अभी हमारे साथी विवेक शर्मा जी ने बहुत विस्तार से बताया, बहुत अच्छी बात को उन्होंने, क्योंकि वो एक समाज सेवी है, सोशल एक्टिविस्ट है, उन्होंने तो जन कल्याण के लिए बहुत सारी, मेरे संज्ञान में निजी रूप में भी है कि उन्होंने 70 से 80 शिकायतें की हैं, और हो सकता है कि अभी वो अपने राउंड में आगे बताएं। जो मुझे पता चला है कि करीब 7 से 8 शिकायतों पर ही मात्र कार्रवाई हुई है, बाकी की बाकी सारी अभी शिकायत जो विभागों के बीच दौड़ाया जा रहा है, कभी PWD विभाग में, कभी लोक और कभी कैसा विभाग को टाल दिया जाता है, कभी सड़क निर्माण को टाल दिया जाता है। इस तरीके की, जिस तरीके से इस योजना का मजाक उड़ाया जाता है, इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को एक तो धन्यवाद देना चाहूंगा कि कम से कम उन्होंने 24 दिनों का संज्ञान लिया, लेकिन पूरे के पूरे इसकी अगर वास्तविक समीक्षा की जाए तो लगभग 90% जिलों की हालत यही है, जहां पर पूरी तरीके से इस योजना का मजाक बना करके इन अधिकारियों ने रखा हुआ है। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस से विनोद भाई जुड़े हुए हैं। विनोद भाई, यहाँ पर महत्वपूर्ण विषय है, और जिस तरह से यहाँ पर विवेक शर्मा जी की बात है, और आप यहाँ पर नितिन भाई ने भी बहुत अच्छी बात रखी, आपकी क्या राय है और किस तरह इस समस्याओं को और निस्तारण कर सकते हैं और बेहतर पहल यहाँ हो सकती है? मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ पर पूरी तरह से सक्रियता दिखाई गई है, कैसे देखते हैं आप इस विषय पर? जनता से रोज का विषय है, जनता की समस्याओं से जुड़ा हुआ। आपकी प्राइम टीवी की टीम को, जिसने इस विषय चयन में आपके साथ अपनी भूमिका अदा की, आपने आपकी आपके चैनल के जिम्मेदार लोगों की सबको मैं बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं। उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से, उस जनता की तरफ से जो दैनिक जीवन में रोजमर्रा में सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा बड़े बड़े खोखले वादे दावे तो किए जाते हैं कि हर स्तर पर उनके शिकायतों के निस्तारण के लिए एक सुचारू व्यवस्था चल रही है, लेकिन उसका सच्चाई से उसका कोई दूर तक वास्ता नहीं है। अच्छा। हमारे बड़े समाज सेवी शर्मा जी भाई ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूं, और व्यक्तिगत कोई किसी जन की बात नहीं, क्योंकि ये जनता से जुड़ा हर घर, हर मोहल्ले, हर परिवार का कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुद्दा है, उससे जुड़ा है। कृपया आप भी राजनीति से बाहर आए। अभी मुख्यमंत्री जी के समीप के जिले की मैं बात बताऊं, अपना अनुभव परसों की बात है, वहां पर किसान किसान की बात होती है, देवरिया कुशीनगर की मैं बात कर रहा हूँ, वहां के एक वरिष्ठ समाज सेवी, इस समय उनकी शारीरिक हालत भी ठीक नहीं, अच्छे किसान है, और मौके पे अपनी बात, जन अधिकारों की लड़ाई भी लड़ते रहते हैं स्थानीय प्रदेश स्तर पर, वो बड़े व्यथित थे। उन्होंने मुझे फोन किया, कहा देखिए भारतीय जनता पार्टी और आज हमारे साथ स्थिति क्या हुई। हमने कहा क्या हुआ, आप तो घोर समर्थक हैं। कहे देखिए मेरी शारीरिक स्थिति भी ठीक नहीं है, मैं उतना सक्रिय नहीं रहा, मैं अपने गन्ना भुगतान घटतौली और जो भ्रष्टाचार गन्ना विभाग का या किसानों के साथ दोहरा रवैया या उनको अपमान करने की जो सरकारी संस्कृति है अधिकारियों की, उसके खिलाफ मैंने जनता की आवाज को शिकायत के माध्यम से जिले के जिम्मेदार अधिकारियों के सामने रखा, तो उन्होंने, आप आश्चर्य करेंगे, उनके जैसे सक्रिय संविधान को जानने मानने वाले आंदोलन वाले व्यक्ति को क्या क्या पूरी व्यवस्था लग गई। ये मैं साक्ष्य प्रमाण के साथ दे रहा हूं, नंबर दे दूंगा किसी जन को, इसी
लाइव के आपके चैनल पर और बात भी करवा दूंगा। अच्छा। इतना मैं दावा कर रहा हूँ, मैं कोई आधारहीन बात खोटी बात नहीं करता हूँ। अच्छा। तो देखिए, उन्होंने कहा उनका लॉ, उनके परिवार के, उनके भाई का लॉ, किसानों का एक कोड होता है जिससे वो अपनी किसानी व्यवस्था है, जो लेन देन है सब उसका आर्थिक रूप से जी। मुझसे आग्रह किया आप बात कर लीजिए उनके, बार बार कहने पर मैंने कहा, मैंने जिला गन्ना अधिकारी को फोन किया, आग्रह किया जी। वो अहंकार, मैंने कुछ नहीं किया, कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहा, वो अपने सीनियर पे डाल दे रहे हैं। और अगर जनता कहते हमारे सीनियर अधिकारी की, शीर्ष अधिकारी की मीटिंग बुलाई गई है, हम उसमें जा रहे हैं, आपको बाद में देखेंगे सुनेंगे। अच्छा। तो ये जो स्थिति है, ये मैंने जैन साहब को इसलिए बताया, ये हर जिले, हर ब्लॉक की, हर तहसील की स्थिति है। अच्छा। केवल कोरे झूठे वादों से प्रचार में बड़ा बड़ा मुख्यमंत्री जी ने पोर्टल बना दिया, उसमें त्वरित कार्रवाई होगी, कोई व्यवस्था, कोई अधिकारी आड़े नहीं आएगा, कोई बाधक नहीं बन सकता। तो इस प्रकार की स्थिति मुख्यमंत्री को कार्रवाई करते रहे, अरे मुख्यमंत्री कार्रवाई करते रहे, कोई नहीं हो रही, मैंने बताया धरातल पर कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा। वो कार्रवाई वही है जैसे 2:30 बजे फोन आया, हाँ आपकी शिकायत हुई, ओके, इसी प्रकार की रस्म अदायगी, अब आप ओके का बटन दबाइए। तो भाई साहब, अब क्या है इसको आप कार्रवाई कहते हैं, तो कार्रवाई केसी जैन साहब अपनी पीठ थपथपा लें खुद। अच्छा। लेकिन इसका असर, केसी जैन से बहुत दिक्कत है भैया आपको नहीं, केसी जैन हमारे भाई हैं। अच्छा। लेकिन वो सरकार बार बार उनकी जो है उनकी भी नहीं सुनती है। अच्छा। वो उनकी भी नहीं सुनती है, वो अच्छे शरीफ आदमी, मैं कह रहा हूँ कि भाई वो अपनी बात कहे, हम लोगों की बात आगे बढ़ाए, आखिर हमारा सबका आपका मत, आज चर्चा करना का सार्थक उद्देश्य यही है। हाँ। इसमें कुछ बदलाव आए, सकारात्मक। अच्छा। बदलाव आए। अच्छा। और जनता के साथ जो झूठ का आश्वासन दिया जा रहा है, ठगी की जा रही है, बदलाव तो आएगा। पर शायद जो समाज सेवी की भूमिका विवेक शर्मा निभा रहे हैं, शायद कुछ विपक्ष में आप लोग भी निभा लें कांग्रेस की तरफ से। नहीं, अधिकारियों के द्वारा गौरव जी जो अपमानित किया जा रहा है, जो दबाव डालने की राजनीति की जा रही है, जो अनदेखी उपेक्षा की जा रही है, उस पर कार्रवाई तो कम से कम होनी चाहिए। चलिए ठीक है, ठीक है। केसी भाई से बात जवाब लेने बाद बहुत देर से उनको याद कर रहे थे। केसी भाई जी, जी देर आए दुरुस्त आए, यही बार बोलूंगा। खैर, जिस तरह से आईजीएनएस प्रणाली पर यहाँ पर चर्चा हो रही है, मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और कहा है 24 अफसर जो जिलों के अफसर हैं, जो नोडल अधिकारी हैं, उन पर अब एक्शन होने वाला है और जो उनकी हीला बहाली है उस पर कार्रवाई होगी, कि मुख्यमंत्री का प्रोजेक्ट है। और उनको जो समीक्षा आई है वो ये आई है कि ना नंबर दर्ज करते हैं और निस्तारण की जो रैंकिंग है उस रैंकिंग में राजधानी लखनऊ भी है, वहाँ पर भी दिक्कतें हैं और लखनऊ के पुलिस विभाग से जाने ना जाने कितनी समस्याओं का निस्तारण ही नहीं हुआ, कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहले तो गौरव जी मैं क्षमा चाहूँगा और आपको मैंने सूचित भी कर दिया था। नहीं, कोई दिक्कत, क्योंकि मैं कार्यक्रम में था, मैंने कहा था थोड़ा लेट हो जाएगा, लेकिन फिर भी दर्शकों से, अपने साथियों से और आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ। देखिए गौरव जी, जी पहली बात तो यह है कि जब भी कोई अच्छा कदम सरकार उठाती है जी, तो विपक्ष केवल और केवल उसकी आलोचना करने लगता है। अच्छा। अब आप देखिए कि आईजीआरएस जो सिस्टम है जी, ये ऐसा नहीं कि केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सिर्फ ये सिस्टम काम कर रहा है जी, इसके पहले भी काम कर रहा था जी। लेकिन क्या इसके पहले कभी कोई समीक्षा हुई? नहीं हुई। अगर समीक्षा हुई, समीक्षा की कोई रिपोर्ट आई, जनता के बीच में कोई रिपोर्ट रखी गई? नहीं रखी गई। अच्छा। आप योगी सरकार वन के पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, कब, तब क्या इस तरीके कोई समीक्षा हुई? नहीं समीक्षा हुई। और आज तक एक पूरे 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बीते और करीब 6-7 महीने और बीत गए हैं योगी सरकार 2 के, उसके बाद में भी विपक्ष ने भी कहीं भी इसको मुद्दा नहीं बनाया जी। लेकिन सरकार ने स्वतः संज्ञान में लिया, सरकार के पास शिकायतें पहुंच रही थी जी। और जी विनोद जी जो बात कह रहे हैं उनकी पूरी बातों का तो समर्थन नहीं किया जा सकता है। अच्छा। लेकिन हाँ, कुछ बातें वो सही जरूर कर रहे हैं जी, कि कुछ अधिकारी हीला हवाली कर रहे थे, कर रहे हैं, और काम सही ढंग से नहीं कर रहे थे जी। और इसी चीज को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वतः संज्ञान में लिया जी। और जिन 24 जिलों की रिपोर्ट आई, लगा कि यहाँ पे जो शिकायतें हो रही, शिकायतों का जिस तरीके से निस्तारण होना चाहिए उस तरीके से निस्तारण नहीं हो रहा। कई जगह पे फॉल्ट पाए गए कि जो शिकायत करता है उसका मोबाइल नंबर दर्ज होना आवश्यक है जिससे कि उससे फीडबैक लिया जा सके। लेकिन उन मोबाइल नंबरों पे जब फीडबैक लेने की बारी आई, और एक चीज है, आईजीआरएस सिस्टम में ये फुल प्रूफ सिस्टम इस तरीके से बनाया गया है कि शिकायत सुनने वाले अलग हैं,
निस्तारण करने वाले अलग हैं और फीडबैक उसका लेने वाले अलग लोग हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं कि फीडबैक वही व्यक्ति लेगा, वही व्यक्ति लेगा तो पक्षपात हो जाएगा। लेकिन जब फीडबैक जिन लोगों की जिम्मेदारी, जिन नोडल अधिकारियों की जिम्मेदारी फीडबैक लेने की थी, जब उन्होंने संपर्क करने का प्रयास किया तो देखा गया उसमें से तमाम सारी शिकायतें ऐसी हैं कि शिकायतकर्ता का सही नंबर ही नहीं दर्ज है। उन्हीं चीजों को आधार मान करके उन जिलों के नोडल अधिकारियों को तलब किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं, और रिपोर्ट भी मंगाई है कि आपके वहां पे किस तरीके से क्या काम हो रहा है, तो इसकी तो सराहना होनी चाहिए। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि अभी कांग्रेस के साथी जो बात कर रहे थे, आम आदमी और ये आप हमारे समाजवादी पार्टी के साथी जो बात कह रहे थे, हाँ। कि काम नहीं हो रहा है, सिर्फ केवल कागजों पे है, जमीन पे नहीं है। अरे कांग्रेस का क्या हाल हुआ? कांग्रेस और बीएसपी एक एक और 0-0 सीट पे आउट हो जाते हैं इसी उत्तर प्रदेश के चुनाव में। अगर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने काम नहीं किया है तो 5 वर्ष के बाद जब उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखा और आपने जो 2012 से लेकर 2017 तक आपकी जो सरकार थी उसका रिपोर्ट कार्ड आपने रखा और ये भी कहा उससे बेहतर काम करेंगे, फिर भी जनता ने आपको अस्वीकार कर दिया। अच्छा। तो जनता से बड़ी अदालत तो कोई अदालत नहीं होती है। अच्छा। तो ऐसा नहीं कि धरातल पे काम नहीं हो रहा है, काम हो रहा है, यही कारण। और एक चीज है, विनोद जी की एक बात का मैं फिर समर्थन करूंगा कि कुछ अधिकारी हैं जो गड़बड़ कर रहे हैं। इसके पहले भी जब योगी सरकार वन थी, यानी कि 2017 से लेकर के 2022 तक की जो कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का रहा और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में रहे, तो वहां पर भी उन्होंने तमाम सारे अधिकारियों को जबरन वीआरएस देने का काम किया। उसका कारण यही था, उसमें आईएएस भी थे, आईपीएस भी थे और तमाम सारे उसके सेकंड लेवल के भी अधिकारी थे। उन सबको जो जबरन वीआरएस दिया गया, उनकी कार्य के प्रति, कर्तव्य के प्रति लापरवाही को देखते हुए कि वो निगलेट बैठे हैं, जो उनकी जिम्मेदारी उसका निर्वहन नहीं कर रहे हैं, और कुछ इस तरीके की जिम्मेदारियां हैं जिससे उनके ऊपर कोई आरोप भी नहीं लग सकता है। अच्छा। लेकिन अगर आप समय नहीं दे रहे हैं, उसको काम का आप निस्तारण नहीं कर रहे हैं, निग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी जो है वो भी एक तरीके का अपराध है। अच्छा। और उसी अपराध की सजा उन आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को। आपका कहना क्या है कि बाकी विपक्ष को योगी जी की सराहना करना चाहिए? नहीं, देखिए बिल्कुल बिल्कुल, देखिए गौरव जी, ये तो अब एक तरीके का ट्रेंड बन गया है विपक्ष के अंदर। अच्छा। कि कितना भी काम अच्छा सरकार कर ले, लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ आलोचना करनी। अच्छा। और आलोचना सिर्फ आलोचना के लिए आलोचना करनी है। अच्छा। और कमियां निकालने के लिए आलोचना करनी है। अच्छा। उसके पीछे कोई महत्वपूर्ण ना उनके पास तथ्य है ना कारण है। अच्छा। जो ये आईजीआरएस की जो रिपोर्ट है, ये क्या इसको किसी ना तो समाजवादी पार्टी ने, ना आम आदमी पार्टी ने, ना कांग्रेस ने, किसी ने क्या इसको ओपन किया कि इन जिलों में ये स्थिति है, इतनी आईजीआरएस की इतनी शिकायतें आई, उसमें इतने का निस्तारण हुआ। अच्छा। और इतनी शिकायतों का निस्तारण नहीं हुआ। हाँ। क्या इस तरीके की रिपोर्ट क्या विपक्ष ने किसी ने सौंपी क्या? अच्छा। नहीं सौंपी ना। अच्छा। तो सदन के अंदर कोई हंगामा हुआ। अच्छा। ना सदन के अंदर कोई प्रश्न उठाया समाजवादी पार्टी ने। लेकिन विपक्ष सक्रिय नहीं है इसलिए। नहीं नहीं, बात ये नहीं है। बात ये है कि जब मुख्यमंत्री जी अगर कहीं कोई कमी है, हो सकता है कि देखिए ऐसा नहीं है कि सब कुछ पहले से बिल्कुल तय है। अच्छा। अधिकारी है, वो भी एक ह्यूमन नेचर है। अच्छा। और तमाम सारे लोग अच्छा काम करते हैं, तमाम सारे लोग ये भी पाए जाते हैं कि निग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी पाए जाते हैं। डर नहीं है किसी भाई, डर नहीं है। लखनऊ की स्थिति भी ऐसी है, राजधानी लखनऊ जहां स्वयं मुख्यमंत्री बैठे हैं। देखिए हम बता दें आपको गौरव जी, माननीय मुख्यमंत्री जी जो जीरो टॉलरेंस की बात कहते हैं कि अपराध के प्रति और कर्तव्य में लापरवाही के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति है, उसके अंतर्गत इस तरीके के कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं संज्ञान लेके कर रहे हैं। इसके पहले की जो सरकारें थी ना तो वो चूं करती थी, ना कोई रिपोर्ट मंगाती थी। अच्छा। ना कोई कार्रवाई करती थी। अच्छा। केवल और केवल अपनी पीठ थपथपाने का काम करती थी, केवल अपनी पीठ स्वयं थपथपाने का काम करती थी सरकारें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने क्या किया? देखिए अभी उन्होंने कहा कि FIR दर्ज करने में कोताही ना हो। अच्छा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई किसी की अगर एक की भी FIR नहीं दर्ज हो रही है, भले ये 25 करोड़ आबादी का उत्तर प्रदेश है, लेकिन एक व्यक्ति के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है। और जब ये बात मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं, तो विपक्ष कहता है कि जीरो टॉलरेंस की राजनीति का क्या मतलब है, जीरो अपराध का क्या मतलब है, जीरो क्राइम रेट का क्या मतलब है? जीरो हो ही नहीं सकता है। इनके अंदर तो ये दृढ़ शक्ति भी कभी नहीं रही। अच्छा। अब जब काम करके मुख्यमंत्री जी दिखा रहे हैं, वो भी इनके पचाया नहीं पसता है। अच्छा। आप देखिए कि एक शिकायतकर्ता, एक महिला जनता दरबार में माननीय मुख्यमंत्री जी के पास शिकायत लेके पहुंचती कि मेरी FIR नहीं दर्ज हो। उसके जस्ट दूसरे दिन सारे पेपरों में, सारे मीडिया में इस बात की चर्चा होती है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आदेश दिया कि FIR दर्ज करने में कोताही ना हो। अब विपक्ष क्या कहेगा? इसका मतलब FIR नहीं दर्ज हो रही है, तभी तो उन्होंने कहा कि FIR दर्ज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है। ऐसा हमेशा रहा कि FIR दर्ज
करने में सरकारें बसती रहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप क्राइम का डाटा पेश करिए, आप कुछ भी पेश करिए, आप एनसीआरबी की रिपोर्ट पेश करिए कि नहीं इतना क्राइम ग्राफ हो गया। अरे तो उस चीज से बचने के लिए क्या लोगों को न्याय नहीं मिलना चाहिए? क्या एफआईआर नहीं दर्ज होनी चाहिए? क्या समाजवादी पार्टी के तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करे कि जब तक कोई विधायक मंत्री सांसद का फोन ना जाए, जब तक वहां पे कोई लोहिया वाहिनी छा सभा का कार्यकर्ता ना पहुंचे, तब तक एफआईआर ना दर्ज हो? ऐसा तो नहीं होगा ना। ये व्यवस्था थी, ये व्यवस्था समाजवादी पार्टी सरकार में थी, लेकिन अब ऐसी व्यवस्था नहीं है। अब एक आम व्यक्ति पहुंचेगा, अगर क्राइम हुआ है, अगर अपराध हुआ, तो एफआईआर दर्ज। मैं एक बार लेता हूं, तकी भाई जुड़े, तकी भाई भाई आप भी लगातार जन संबंधी मुद्दे उठाते रहते हैं। केसी भाई बोल रहे थे कि विपक्ष को भी यहाँ पर भूमिका नहीं आई, विपक्षी अगर ऐसी की रिपोर्ट कोई पेश कर देता तो हो सकता और पहले कार्रवाई हो जाती, तो थोड़ा बहुत आप लोग भी सक्रिय हो जाइए भाई, राजनीति कर रहे हैं अगर। बोलिए, धन्यवाद मुझे टाइम देने के लिए। 40 मिनट के बाद आज मुझे याद किया, मुझे लग रहा था मुझे भूल गए, अभी डिबेट में हूं। मैं क्यों भूलूंगा भाई, सामने बैठे आपकी तारीफ भी कर दी भाई, क्यों भूल जाओगे तकी भाई। तो बहुत धन्यवाद आपका जी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ चीजों के बारे में बात हो जाएगी। आईजीआरएस जो है सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, और भी स्टेट्स में 28 स्टेट्स में यूनिट टेरिटरी में आईजीआरएस है। आईजीआरएस का मेन मकसद है कि हम ज्यादा अच्छा गवर्नमेंट करें, मैक्सिमम गवर्नेंस विद मिनिमम गवर्नमेंट, ताकि सरकार का दखलंदाज कम हो और जनता के अधिकारों का हो, जनता अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर ले बिना परेशानी किए हुए। ये मॉडल भारत में जो आया है बहुत सारा देशों में आया है, विदेशों से आया है, जहां मलेशिया, इंडोनेशिया, अमेरिका, यूएस, जहां पे ऑलरेडी क्योंकि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से चीजें बहुत इंटीग्रेटेड हो गई हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है और चीजें वहां सॉफ्टली और स्मूथली हो रही है, उसी के लिए यहाँ पे किया गया था आईजीआरएस। इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गवर्नेंस रिड्रेसल सिस्टम, जन समवाय समाधान पोर्टल, जिसमें जनता की सुनवाई हो जी। और दूसरी बात आना चाहता हूँ, ये सिर्फ योगी जी नहीं लाए, 3 फरवरी 2016 को अखिलेश यादव जी ने इसको उत्तर प्रदेश में पहली बार बात की थी और किया था, और फिर योगी जी ने किया, तो ये पूरे प्रदेश में हो रहा है, पूरे देशों में हो रहा है और विदेशों में भी हो रहा है। दिल्ली में हो रहा है, मेन मकसद है जनता को, दिल्ली में हो रहा है, जनता को समाधान देना जी। दिल्ली में हो रहा है क्या? दिल्ली में भी हो रहा है, सब जगह हो रहा है, सारे आईजीआरएस, बहुत सारे स्टेट्स में आईजीआरएस है, यूपी में जाए आईजीआरएस क्या? नहीं नहीं, मैं तो नहीं कहा, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे केवल। ये देखिए आईजीआरएस इंडिया, आईजीआरएस तेलंगाना, आईजीआरएस यूपी, आईजीआरएस राजस्थान, आईजीआरएस एपी, आईजीआरएस एमपी, आईजीआरएस महाराष्ट्र, पूरी लिस्ट लगी हुई आईजीआरएस। नहीं मैं तो दिल्ली पूछ रहा था केवल। ठीक है, देख ले, जब मैं कह रहा हूँ सारे यूनियन टेरिटरीज में हो रहा, तो दिल्ली भी यूनियन टेरिटरी की भारत की है। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, पंजाब में भी हो रहा है, इसका मेन मकसद है। आप तो हृदय पे ले गए। नहीं नारा, मैं इसका मकसद है जनता को बिना परेशान किए उसकी समस्याओं का समाधान उपलब्ध कराना और जनता के हाथ में लोकतांत्रिक व्यवस्था को सौंपना, ताकि जनता जो पढ़ी लिखी। तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जिस तरह से यहाँ पर सक्रियता दिखाई है, कार्रवाई करने जा रहे हैं, तो भाई ठीक है ना, आप लोग सराहना करिए इस चीज की भाई। अगर कोई कमी है, 9 सितंबर 2021 को भी, 2 सितंबर 2021 को भी योगी जी ने कहा था कि आईजीआरएस जो है उनकी टॉप प्रायोरिटी, उस पर काम होगा। अच्छा, और आज जो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो इस घटना को घटे हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है, 1.25 साल से ज्यादा टाइम हो गया है। अच्छा, और जो मैं साफ प्रतीत हो रहा है, जिस तरह से आपने देखा जो प्रकरण आए हैं नगर निगम के चुनाव को लेके, अभी मानो सभ्यता भी ठप पड़ी हुई है, 4-5 दिन से चल पा रही, इसमें कई लाख जो राजकीय कर्मचारी उनकी सैलरी आती है, नया साल आ रहा है, उनकी सैलरी डिले हो जाएगी, नया साल कैसे बनाएंगे। अच्छा, ये कई बार होता है। आज ईआरएस में आपने देखा, वहां निवारण नहीं हो रहा है, पुलिस अच्छा। विभाग भी अपनी मनमानी कर रही है कि जगहों पर ऐसी घटनाएं हुई है, तो अच्छा। मैं समझ में आ रहा है कि योगी सरकार को, योगी नाथ जी को सारी मशीनरी मिलके अपने अनुसार इस्तेमाल कर एक्सप्लॉइट कर रही है, वो इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, और उनका जो है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर, इस शासन के ऊपर जो कहते हैं कि बहुत सख्त शासक हैं, वो प्रभाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। अच्छा, जितने राज कर्मचारी हैं, जहां भी लोग हैं, अपनी मनमानी अपने तरीके से काम कर रहे हैं। और सुनिए, एक लखनऊ वन एप्लीकेशन भी है। अच्छा, जिसके ऊपर आईजीआरएस भी है, इसके ऊपर आप अपनी 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 परेशानियां डाल सकते हैं। अच्छा, मैंने खुद कई बार उसमें परेशानियां डाली, कूड़ा संबंधित और चीजों संबंधित। हाँ, फोन आता है, काम डिले होता है, और उसके बाद चीजें वैसे के वैसे ही हो जाती। जैसे कूड़ा उठाने वाला, आप बताइए लखनऊ में कितने घरों से आज रोज कूड़ा उठ रहा है। अच्छा, आप निकलिए देखिए, लोग परेशान है, कह रहे हैं हफ्ते में एक दिन उठता, हफ्ते में दो दिन उठता, रेगुलर आते नहीं कूड़ा उठाने वाला, कुछ बेचारों को अपना कूड़ा उठा के फेंकना पड़ता है। अच्छा, तो ये जितनी खबरें जो हैं, बीजेपी खबरें बनाने में बहुत तेज है। अच्छा, और मीडिया बड़े अच्छी अच्छी बातें करते हैं लोग आगे, लेकिन जमीन पर जब चीजों को उतारना होता है, तो वहां पे आपको इनके लूप होल साफ साफ दिखाई देते हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है और कर रही होती, तो आज उत्तर प्रदेश में सभी युवाओं को रोजगार मिल गया होता,
कानून व्यवस्था चकाचक होती, महिलाओं के साथ दुराचार ना हो रहा होता, रोड सड़क सड़क के सारे गड्ढे भर गए होते, 24 घंटे लगातार लाइट आ रही होती और हर अस्पतालों में सुविधाएं मिल रही होती। अच्छा, हो रहा है क्या गौरव जी इनको लग रहा है चुनावी बच्चे हैं। अच्छा, ये जैसे चुनाव में कहा जाता है ना कि अब रोडे बनवा देंगे, हैंड पाइप लगवा देंगे, गांव में जाके इसे बताया जाता है ना, प्राइमरी स्कूल की रंगाई पुताई हो जाएगी, बच्चों को पट्टी पे नहीं बैठना पड़ेगा, स्टूल रखवा देंगे। ये वैसी बातें कर रहे हैं, न पुलिस इनको दिखाई दे रही काम करते हुए, न रोडे इनको दिखाई दे रही है, न तो डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है, न पुलिस काम करती दिखाई दे रही है, न इनको कूड़ा निस्तारण दिखाई दे रहा है। और एक चीज, इनको कूड़ा निस्तारण और लाइट इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि इनको लगता है कि जब एमएलए एमपी के चुनाव थे तब तो इनको मुंह दिखानी पड़ी, उत्तर प्रदेश से ना इनका एक एमएलए ना एक एमपी है, और दोनों में इन्होंने खूब खूब काल बजाया कि हम ये कर डालेंगे वो कर डालेंगे, लेकिन जनता ने इनकी सुनी नहीं। अब इनको लगता है कि कम से कम कुछ नहीं, इनको ये लगता है गौरव जी, इन्हें ये लगता है कि अब नगर निकाय के चुनाव है तो हर बात में कूड़ा जरूर ले आएंगे, कूड़ा ले आएगी हर बात में, ये नगर निकाय के चुराव आ रहे हैं को हर बात में कूड़ा दिखाई देगा। ठीक है, कभी अपना भी सफाई की बात नहीं करने लग रही है। ठीक है, हो गया, तकीबाई हो गया, कमियां सब जगह है, यमुना भी साफ नहीं हुई है, इसीलिए नगर निगम के चुनाव टालने के लिए निश्चित रूप 5 साल से कूड़ा नहीं उठा, आज कितने बड़े बड़े ढेर दिखाई पड़ रहे हैं, और इसी वजह से ये नगर, आपने सच कहा कि नगर निगम का चुनाव है, बहाना बनाया गया इस तरीके आरक्षण के नाम पर। समाजवादी पार्टी कंफ्यूज पार्टी, इसी वजह से इस प्रक्रिया को कोर्ट में जिस तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। अरे कोर्ट में कौन लेके गया, तैयारी आपकी नहीं थी, तैयारी आपकी नहीं थी। अरे समाजवादी पार्टी कहती है ना, समाजवादी पार्टी कहती है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, हमारी तो तैयारी बूथ स्तर से लेकर के मेयर पद के लिए थी, लेकिन और ये जो है इनकी कोई तैयारी नहीं थी रही, तो क्या हुआ, लेट कैसे हो, ये कहने लगे आज ये साल से क्यों नहीं चल रहा है, लेके कौन गया है शिकायत लेके कौन गया है कोर्ट में शिकायत लेके वो गया है, सुनिए शिकायत लेके वो गया है। देखिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक बात स्पष्ट रूप से कही है कि सर्कुलेशन सिस्टम से जो आरक्षण की प्रक्रिया वो लागू हो। अब जो लोग पहले से ओबीसी सीटें थी वो चाहते हैं अनवरत ओबीसी सीट बनी रहे, बिल्कुल जिससे कि चक्रानुक्रम में होना चाहिए, जो तो नहीं किया आप ओबीसी के अधिकारों के खिलाफ है। गलत बात सुनिए, चक्रानुक्रम में जो लोग गए हैं 15 सालों से ओबीसी का लाभ लेते हुए वो सभासद बने बैठे थे, अब उनको आरक्षण व्यवस्था में वो सीट बदल दी गई, वो हो गए जनरल, दूसरी हो गई ओबीसी, ये सारी सीटें करने की सारी बात है, ओबीसी नहीं हो जाएगी। अच्छा तो पहले वाले को क्यों करना पड़ा, नहीं भी ओबीसी रहे, कोर्ट ने तो सीधे सीधे ये कह दिया कोई आरक्षण ही नहीं होगा। कोर्ट ने कहां पे कहा दिया, कोर्ट ने कहां पे कहा आरक्षण नहीं दिया गया, ये कहां पे कहा आरक्षण नहीं दिया गया, कोर्ट ने आरक्षण दिया कहां पे कहा, क्यों कोर्ट ने क्या कहा दिखाइए आप, बिना आरक्षण दिखाइए, सरकार मोबाइल में है आपके, चाहे आपके मोबाइल में होगा पूरा, सरकार चाहे तो पेज का पूरा निर्णय आपके पास होगा, आप पढ़ के सुना दो, आप बताइए आप पढ़ के सुना दो, कहां पे कहा है, मैं कह रहा हूं कहां पे कहा है आरक्षण नहीं दिया गया,
आप बताइए ना, आप या तो सुन लो या तो नहीं, आप बताइए। मैं कह रहा हूँ आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोलो, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हो। सरकार सुन लो ना, क्या कहा न्यायालय ने, कहा बेवकूफ नहीं है, न्यायालय ने सरकार ने कहा कि सरकार ने कमेंट्स किया कि अगर सरकार आरक्षण नहीं दे पा रही है तो चाहे तो बिना आरक्षण के ही चुनाव करा ले। ये सरकार के ऊपर एक तंज है, क्या बात, सरकार के ऊपर तंज है। ट्रिपल सिस्टम नहीं लागू किया, ये क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया? ट्रिपल टेस्ट जो है, ट्रिपल टेस्ट करके आपको एक साल, अरे 2017 की जो व्यवस्था थी उसको लागू किया गया है। अरे आज सुप्रीम कोर्ट 2017 की जो व्यवस्था थी उसको लागू किया गया, क्यों? जब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आ गई तो आप एक साल पांच साल से क्या कर रहे थे? अच्छा आपको चलेगी नहीं, ये बताइए सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी के बाद आपने अभी तक क्यों 2021 से लेकर के अभी तक आपने टच करा करके क्यों? क्या आपको पता नहीं था 2022 में समाजवादी पार्टी का मतलब केवल यादव नहीं पता था? समाजवादी पार्टी का मतलब है ओबीसी आरक्षण का मतलब केवल यादव है, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, ओबीसी का मतलब केवल याद हो जाती है, ये समाजवादी पार्टी की परिभाषा है। रुक जाओ, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का उदाहरण दे रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर विश्वविद्यालय में अभी हाल में पिछले एक माह के अंदर 74 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती हुई है, ठीक है, जिसमें से 68 15% आबादी को मिले, यानी 91% आरक्षण, 85% आबादी जो 6% हो, ये विषय नहीं है, उन्होंने 8% जाइए ना, ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा, भारतीय जनता पार्टी का ये चेहरा है। अभी आप गांव जा रहे थे, पार्टी आरक्षण ने ये कह दिया, आरक्षण ने ये कह दिया, जो कुछ हाईकोर्ट ने कहा नहीं, ये तो चाहिए, आप मेरे हाईकोर्ट ने कह दिया, यही तो चाहिए, जाइए ना कि हर व्यवस्था हर प्रक्रिया पर रोक लगाइए। कौन का जाइए से तो क्या कर रहे हैं के लिए सरकार बैठ के क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं बैठ करके? सरकार किस बात की? आप क्या कर रहे हैं बैठ करके? यहाँ पे आप अच्छी बातें कर रहे हैं ना, हम तो अच्छी बातें कर रहे हैं ना, दे रहे हैं। अगर दो वर्गों में भारतीय जनता अगर दो वर्गों में जगह निकली, एक बार केवल ओबीसी की भर्ती हो गई, कोटे से भर्ती हो गई, बाकी जो जगह निकलेगी जाहिर सी बात जनरल की भर्ती होगी, उसमें कौन सी खास बात है? अगर 100 सीटें हैं, 100 में से 50 सीटें निकाली गई, 50 में ओबीसी एससी एसटी जो थी वो भर्ती कर ली गई, बाकी जो सीटें बची, बाकी जो सीटें बची, अरे तो जाइए ना कोर्ट में, ये तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है, झूठ बोल रहे हैं, कोई डाटा आपके पास नहीं है, मैं फर्जी बातें कर रहा हूँ, मैं फर्जी बातें कर रहे हैं, डाटा से दे रहा हूँ, अगर ऐसा नहीं है जाइए सुप्रीम कोर्ट में, रद्द कराइए, मैं डाटा रद्द कराइए ना, आप तो चाहते हैं किसी को रद्द कराइए ना, हर वैकेंसी को रद्द कराइए, परीक्षा देखिए, फर्जी लोग क्या जाएंगे, परीक्षा फर्जी लोग हाईकोर्ट में जाने की हैसियत नहीं है, क्या जाएगी हाईकोर्ट में? जरा जरा सी बात हैसियत जाते हैं, सही बात है, हाईकोर्ट ठीक है, हैसियत नहीं है, ठीक है, ठीक है, हो गया हो गया हो गया, बाकी मेहमान भी, बाकी मेहमान भी, बाकी मेहमान भी, बाकी मेहमान भी, प्रक्रिया निलंबित हो जाए, सरकार किसी को रोजगार देने नहीं चाहती, ठीक है, ठीक है, हो गया हो गया हो गया, ये जो कौन सा जवाब बोल रहा है आप, कोर्ट चाहिए विनोद भाई, विनोद भाई कुछ बोलना चाहते हैं, विनोद भाई बदल दीजिए, विनोद भाई कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए बोलिए, बहुत देखिए जी, केसी जी ने अपने मुख्यमंत्री के बारे में बताया कि किस प्रकार से इस सुनवाई के निस्तारण के लिए वो लगे हुए हैं, सर मुद्दे पे आप वापस आ गए हम लोग, हां जी, मैं केसी जैन भाई से ये कहूंगा जी, इनकी पहुंच, इनका सीधा प्रवेश मुख्यमंत्री आवास और कार्यालय में है। अच्छा, यही डिबेट का पैनल और आप नहीं कर सकते, यही डिबेट का नहीं, यही डिबेट का पैनल और आप कल चलिए, और जिसके पास जो भी शिकायतें हैं यथार्थ रूप से मुख्यमंत्री जी के सामने रखिए। और गौरव जी, मैं सबसे कहता हूँ आप केवल ऑब्जर्व करिएगा, इतना झुंझला क्योंकि इनका भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री जी का क्या है, शिकायतों से इनका बैर है। अच्छा, ये केवल यही साबित करना चाहते अपनी पूरी ऊर्जा, अपना साधन संसाधन, अपनी मेहनत समय सिर्फ इस बात में लगाते हैं कि झूठ को सही बताने में। अच्छा, नहीं सब सही है, कोई समस्या नहीं है, जीरो टॉलरेंस की नीत है, कहीं पर कोई ढिलाई कार्रवाई नहीं है, लेकिन कैसी जाए, लेकिन सवाल ये है, जब इतने बड़े बड़े दावे होते हैं और
उसको दूर करने के लिए कोई यथार्थ तरीके से प्रबल इच्छा शक्ति के साथ मनोयोग के साथ जब लोग लगते नहीं है, सरकार के मुखिया लगते नहीं है, भ्रष्टाचारी अधिकारियों उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश की नौकरशाही पूरी तरीके से बेलगाम है, सबसे ज्यादा धन उगाही भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में हो रहा है आज के समय में देश में, सर्वाधिक रिकॉर्ड तोड़ आपकी बात। अरे घोटालों का इसमें कोई दो राय नहीं है, तो दो घंटे की डिबेट चली जाएगी। अच्छा, 2G घोटाला, इंस्पेक्टर घोटाला, जीजा जी घोटाला, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, जीजा जी घोटाला, घोटालों का नाम लेंगे ना क्या? अरे 3,30,00,000 रुपए से 3,00,00,000 की संपत्ति होगी, जीजा जी घोटाला नहीं तो क्या? अच्छा, जिनकी 3,00,00,000 रुपए की संपत्ति, 3,00,00,000 की संपत्ति हो गई, घोटालों की तो लिस्ट भारतीय जनता पार्टी के पास अभी गायत्री प्रजापति जेल में है, अभी गायत्री प्रजापति जेल में है, घोटाला पार्टी से बाहर भी नहीं हुए, घोटाले भारतीय जनता पार्टी के हैं, घोटाले में कितने लोग जेल में गए? एक बात मैं आपको, जनता की समस्याएं और शिकायत किसी रूप में आ जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लोग दरबार होता था, की सरकार प्रतिदिन की पूरी मशीनरी किस प्रकार से और हजारों के आंकड़े आते थे और खारिज करने का काम करती है, तत्काल कार्रवाई होती है। जनता दरबार कई महीने चला था? कई महीने चला था? कई महीने चला था जनता दरबार? कितना जनता दरबार कर रहे हैं? अरे लगातार हो रहा है, कई नहीं हो रहा है। पहली बात तो सत्य की सुनवाई हो रही है, सुनवाई ना हो तो ये जो सिस्टम है ना, IGRS सिस्टम, ये भी है, इसको भी देखा जा रहा है, तो देखते रहो उसका नतीजा क्या आ रहा है। अरे तभी तो नतीजा क्या आ रहा है, ये तो सरकार ने स्वयं माना कि 24 जिलों में फिर वही बात करने का व्यवस्था, फिर वही मैं कह रहा हूँ कि 90% इसमें लगातार फर्जीफिकेशन मात्र हो रहा है, 90% अब जागे, कोई कार्रवाई नहीं, अब जागे जब मुख्यमंत्री जी ने स्वयं उसका संज्ञान लिया तब जागे आप, ये आपको पता चला विपक्ष की वजह से जागे, तब आपको पता चला विपक्ष की वजह से पता चला, दिल्ली में बुला बुला के लंबी जब जागे हैं जिसकी वजह से दिल्ली दरबार लगातार कागज भी जीते, मैं तो कह रहा हूँ आजमगढ़ क्या हुआ, कागज भी जीते, रामपुर क्या हुआ, चुनाव के बाद जनता ने जब इनको मुंह दिखाना शुरू किया दिल्ली दरबार से लगातार, जिसके बाद गौरव जी आप कह रहे हैं FIR तब हुई जब लोगों को आवास के बाहर आकर आत्महत्या करनी पड़ गई, उसके बाद मुख्यमंत्री संज्ञान ले रहे हैं समाजवादी पार्टी होनी चाहिए, आर्थिक हालात में उत्तर प्रदेश देश में 18वें स्थान पर है, आर्थिक स्थिति में पूरी सीट जीत गई, उसका शोक मना रही थी, आर्थिक हालात में उत्तर प्रदेश देश के 22 राज्यों में 18वें स्थान पर है, ये लगातार 15 दिन तक शोक मनाते रहे, उत्तर प्रदेश प्रदेश का बड़ा प्रदेश पूरी जीत गई, उसका शोक मनाते रहे लगातार, ये लगातार हम तो ये तो मुख्यमंत्री शोक बनाए और जब उनके थोड़े थोड़े कान घुमाए हैं मुख्यमंत्री जी जागृत हुए हैं और आप ये समीक्षाओं का दौर शुरू करें चूंकि 2024 बिल्कुल और FIR नहीं हो रहे थे कर रहे हैं अपनी मुख्यमंत्री दरबार पे बाहर किसान विवेक भाई अपनी बात पूरी करिए, विवेक शर्मा जी जल्दी बोलिए, अभी आपके स्टूडियो में मैं देख रहा हूँ जनता फुटबॉल बनी, बिल्कुल बहुत अच्छा स्लोगन है जी भाई, पक्ष और विपक्ष दोनों ही यहाँ पर बैठे हैं आपके सामने जी, जनता को भूल गए जी केसी जैन साहब, हाँ। अभी भाई यहाँ पर जो बात हो रही थी वो IGRS के संबंध में हो रही थी, माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारा तीसरी बार इस ये आप मेरा रिकॉर्ड कर लीजिएगा, तीसरी बार फिर बोल रहा हूँ आपके चैनल पर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय काम करना चाहते हैं लेकिन अफसरशाही जो है वो पलीता लगा रही है जी, ऐसे कौन लोग वहां पर बैठे हैं जो ये काम क्यों नहीं होने दे, माननीय मुख्यमंत्री जी अफसर शाही को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, ये कहिए आप तकी जी देखिए मैं कोई भाई देखिए राजनेता तो हूं नहीं और ना किसी पार्टी विशेष से हूं, मैं एक जनता हूं और मैं अपनी बात को रख रहा हूं, जब जनता की नहीं सुनी जाएगी
भाई ऐसे ही आप लोग लड़ेंगे आपस में तो फुटबॉल बनी पड़ी है, और ये अधिकारियों ने और फुटबॉल बना दिया है, सारे विभागों ने मिलकर फुटबॉल बना दिया है, तो हमारी बात सुनेगा कौन जी? भाई जनता अगर कोई आईजीएसएस के माध्यम से आपके पास तक अपनी बात पहुंचा रही है, और ये बहुत अच्छा, मैं उसको धन्यवाद दूंगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मुद्दे को उठाया है और ध्यान दिया है, कि स्वतः संज्ञान लिया कि जनता का काम नहीं हो रहा है, क्योंकि अधिकारी काम नहीं करना चाहता। मैं फिर आपसे कहूंगा, ये सारा का सारा पलीता जो लगा रहा है वो बैठा हुआ उच्च अधिकारी है, उसको पता ही नहीं। बड़ी होनी चाहिए कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई बड़ी होनी चाहिए। कारण क्या है कि सर ये फोर्थ क्लास के लोग यहाँ पर रिपोर्ट बनाकर भेज देते हैं, निस्तारण कर देते हैं, निक्षेपित कर देते हैं। हाँ। ये लिख देते हैं निस्तारण हो गया, किसी कार्य का कोई निस्तारण नहीं होता, किसी से कोई बात नहीं होती। जो फोन किए जाते हैं सुबह 6 बजे, शाम को 5 बजे, सुबह 4:30 बजे फोन किया जाता है, फोन उठाने वाला जब बात करता है तो वो कहते हैं कि अरे अभी हमारा कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, हम आपको फिर दोबारा फोन करेंगे। कहीं आप मीटिंग में बैठे हो, कहीं किसी जरूरी काम में व्यस्त हो, फोन आता है, फोन आदमी उठाता है कि आपने कंप्लेंट की थी, अभी हम इसका देखकर बता रहे हैं, अभी हमारा ये काम नहीं कर रहा, सिस्टम काम नहीं कर रहा। जब सिस्टम काम नहीं कर रहा तो फोन क्यों करते हैं? केवल आख्या लगाने के लिए। और जो मुख्यमंत्री पोर्टल को जो देखते हैं, जो भी अधिकारी इसको देखते हैं, वो वहां तक बात पहुंचाते नहीं है, निस्तारण कुछ नहीं हो रहा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण में आज भी मेरे कम से कम 15 मैंने आईजीआरएस किए हैं, जिसकी अभी तक उन्होंने आख्या रिपोर्ट नहीं भेजी। उसको देखने वाला कौन है? जिसमें रिपोर्ट भेजी वो गलत भेजी, वो लिखकर भेज रहे हैं कि हमने वहां पर कार्य करा दिया, वहां की निर्माण एजेंसी काम कर रही है, ये कौन देखेगा? वहां पर कोई काम नहीं हुआ। जहां की हम कोई कंप्लेंट करते हैं, अच्छा, निचले स्तर पर केवल रिपोर्ट लगा दी जाती है, आगे बढ़ा दिया जाता है, उच्च अधिकारी उसको ध्यान नहीं देता, कार्यवाही कुछ नहीं होती सर, केवल कमरों में बैठे रहते हैं। अगर ये मुद्दे उठते हैं, एक दो दिन कार्यवाही में तेजी आती है, दिखाया जाता है कि इसको कर दिया, उसको कर दिया, फोर्थ क्लास वाले नीचे वाले उन लोगों को कुछ ना कुछ पकड़ा दिया जाता है कि आपका ट्रांसफर कर दिया गया। इसके अलावा जो बड़े उच्च अधिकारी लेवल पर होना चाहिए वो कुछ नहीं होता। जैन साहब, भूमिका क्या होनी चाहिए विपक्ष की? भूमिका भाई साहब, ये जो काम स्वतः संज्ञान लिया है मुख्यमंत्री महोदय ने, ये तो विपक्ष को उठाना चाहिए था, चाहे वो आप पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। जनता परेशान हो रही है। केसी भाई, मेरी बात को आप समझिएगा कि लोग आईजीआरएस करते हैं, हम अपनी बात को यहां तक पहुंचा रहे हैं, या हमारी बात हमारे जो जैसे एनबीटी वालों ने निकाला था कि मतलब विभागों के बीच फुटबॉल बना हुआ है जनता, ये भारत टाइम्स ने निकाला, और भी हमारे जो और पेपर हैं यहाँ के लीडिंग पेपर हैं, अमर उजाला है, दैनिक जागरण, समय समय पर निकालते रहते हैं, लेकिन कितने जागृत हो रहे हैं? केवल एक दो दिन केवल कार्यवाही होती है, उसके बाद सब टाइम टाइफिस हो जाता है। ऐसा क्यों नहीं? भाई हमारे तो जिलाधिकारी, कल जब मैंने 27 तारीख को ये अपना एक पत्र दिया है, तो मैं तो अभी तक आश्चर्य में हूँ। केसी भाई आपको बता रहा हूँ, ये बात जरा जिलाधिकारी महोदय से पूछ लीजिएगा, जिस जगह की अगर ये कोई हम शिकायत करते हैं तो वहां के लोगों का हाउस टैक्स और वाटर टैक्स देना क्या कंपलसरी है? तभी कार्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। बिल्कुल पूछा जाएगा, बिल्कुल। ताकि मैं कुछ बोलना चाह रहा हूं, जल्दी बोलिए। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ माननीय आदित्य योगीनाथ जी से कि सबसे पहले आईजीआरएस पे खुद बैठे, अच्छा, और कंप्लेन करें कि मुख्यमंत्री आवास के सामने गड्ढों में जो पानी भर जाता है उसको ठीक करा लें। अच्छा। अब की बारिश हुई थी पूरे लखनऊ में, बारिश में गड्ढों में लखनऊ डूब गया था, और बारिश में पानी लखनऊ डूब गया था, और मुख्यमंत्री आवास के सामने भी पानी भर गया था। तो वो अपने पहले आवास के सामने जो गड्ढे हैं उसमें पानी भर जाता है उसका निवारण करें। भाई क्या वो आईजीआरएस यूज करना जानते हैं? क्या फाइल कर सकते हैं वो कोई केस? दिल्ली तो नशे में डूबा हुआ है, उसका निपटारा करें मुख्यमंत्री जी। और पंजाब को भी लगातार डुबो रहे हैं शराब में। अच्छा, हाँ, मैं कह रहा हूँ ऐसी किसी जन साहब, आप योगी जी से कहिए पहले आईआरएस सिस्टम पे बैठे कंप्लेन करें, मुख्यमंत्री आवास के सामने गड्ढों में पानी भर जाता है उसका निवारण करें। फिर उत्तर प्रदेश की बात करें, आप बिना निवारण तो कर नहीं पा रहे, लखनऊ को सही कर नहीं पा रहे, मुख्यमंत्री आवास के आसपास नहीं कर पा रहे। आप बात बड़ी बड़ी लखनऊ कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश कर रहे हैं, लखनऊ उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है। डिबेट को चुनावी मंच समझ सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की यहाँ दाल गलने वाली नहीं है। लोकसभा में आम आदमी पार्टी की दाल नहीं गलेगी, आम आदमी पार्टी की बिरयानी पकेगी, आम आदमी पार्टी चटनी में सच चलेगा। यहाँ पे जमीन पे नहीं कर रहे हैं आप परेशान ना हो, ये किसी जैसा आप बैखाने पे काम कर रहे हैं। आम आने वाला टाइम आम आदमी पार्टी का है, बैखाने पे काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी जनता के मुद्दों की बात करती है। अरे मुद्दों की बात क्या, खाता क्यों नहीं खुला? खाता क्यों नहीं खुला? अरे खाता हमारे बहुत जगह खुले। खाता क्यों नहीं खुला आपका? खाता कहाँ खुल गया? क्या खाता खुला आपका? साउथ में खाता नहीं खुला आपका? जनता ने आपको दुकान के भगा दिया यहाँ से, क्या बात करते हैं आप? कश्मीर में आज तक खाता नहीं खुला, पंजाब में कितना खाता खुल गया आपका? यहाँ पे योगी जी का शासन है, दस साल में आम आदमी पार्टी बहुत आगे निकल गई, बहुत विश्व की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली पार्टी है। गुजरात में 5 सीटें जीती आम आदमी पार्टी ने, अमित शाह पर्चा लेके बैठ रहे थे कि किसी को एक सीट नहीं देना आम आदमी पार्टी को।
बाकी प्रदेशों में क्या हो रहा है? आपने बताया सारे पांच सीटें जीत के आए हैं, किस प्रदेश में इस पे सब आम आदमी पार्टी खाता खुला वहाँ पे? आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो महत्वपूर्ण मुद्दा था यहाँ पर कि आईजेएस में जो इस समय खामियां आई हैं उसका उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं संज्ञान लिया है और 24 जिले के नोडल अधिकारियों को यहाँ पर कार्रवाई करने का कहा भी है। कार्रवाई भी जल्दी होगी, जब संज्ञान ले लिया है तो कार्रवाई भी यहाँ पर निश्चित है। पर कहीं ना कहीं अगर चुनाव जरूरी है, व्यवस्थाएं जरूरी है, चर्चाएं जरूरी है, तो कार्रवाई भी जरूरी है। और मेरा मानना यह है कि कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जो आने वाले समय में सभी लोगों के लिए नज़ीर बने, चाहे वो प्राइवेट हो और चाहे वो सरकारी हो। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो डर किस बात का? और अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी अगर खामियां आ रही हैं तो कहीं ना कहीं चूक है, और चूक को दुरुस्त करने का बीड़ा मुख्यमंत्री ने उठाया है, तो उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में आईजीआरएस जो उनकी महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं में एक है उसमें अगर कोई कमी पाई जाएगी तो वो सक्रियता से उस पर कार्रवाई भी करेंगे और ऐसी नज़ीर पेश करेंगे जिससे आने वाले समय में उनकी महत्वाकांक्षी व्यवस्थाओं पर कोई पलीता ना लगा सके। कार्रवाई जरूरी है, निलंबन जरूरी है, खामियों को ढूंढना भी जरूरी है, साथ ही साथ सक्रियता भी जरूरी है। और सक्रियता शायद यहाँ पर विपक्ष की भी होनी चाहिए, केवल सरकार पर आरोप प्रत्यारोप ही पर्याप्त नहीं है। अगर वास्तव में कुछ मुद्दे जनता उठाती है तो कुछ मुद्दे विपक्ष को भी उठाना चाहिए, और ये जिम्मेदारी विपक्ष की है क्योंकि जनता ने उनको भी जनाधार दिया है, और जब जनाधार दिया है तो उसकी जिम्मेदारी को पूरा करना भी आपका कर्तव्य है। केवल वादों से, केवल चुनाव से और केवल अब डिबेट से काम नहीं चलने वाला है। अगर वास्तव में चाहते हैं कि जनाधार बढ़े, व्यवस्थाएं सुधरें और वास्तव में उत्तर प्रदेश प्रगति करे, तो यहाँ पर सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष की भूमिका भी आवश्यक है। इसलिए चलते रहिए, कार्रवाई भी होगी, व्यवस्थाएं भी होगी और बदलाव भी होगा, बस थोड़ी सी मेहनत करनी होगी धरातल पर और संघर्ष करना होगा जमीन पर, तभी तस्वीर बदलेगी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।